बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक दूध वाला रहता था। उसका नाम गिरधर था। वह अपनी पत्नी और अपने एक बेटे के साथ रहता था। उसके पास एक ही गाय थी। वह बहुत प्यारी थी, मगर वह बहुत कम दूध दिया करती थी। वह जितना भी दूध देती थी, गिरधर उसे शहर में जाकर बेचाया करता था। लेकिन दूध कम होने की वजह से उसकी आमदनी भी बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से उसकी पत्नी उसे दिन रात ताने मारा करती थी। अजी सुनो, इतने थोड़े से पैसों का मैं क्या करूं? इतने कम पैसों में तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आपने पड़ोस के मोहन की बीवी को देखा? वह कल ही नई साड़ी खरीद के लाई है। उसका पति तो उसे हर हफ्ते मेला दिखाने के लिए लेकर जाता है और नए कपड़े भी दिलवाता है। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते। देखो भगवान, मैं जितने पैसे कमाता हूँ सारे तुम्हें लाके दे देता हूँ। अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं? जितने पैसे तुम कमा के लाते हो ना, उसमें से आधे से ज्यादा पैसों का चारा तो तुम्हारी ये गाय ही खा जाती है, और बदले में इतना कम दूध देती है। इस गाय से हमें कोई फायदा नहीं है। इसे तो तुम किसी जंगल में ही छोड़ाओ और एक नई गाय खरीद लो। देखो भगवान, मेरे पास नई गाय खरीदने के पैसे नहीं हैं। हम जितना भी कमाते हैं उसमें दो वक्त की रोटी मिल जाती है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अजी आपको नहीं चाहिए तो ना सही, लेकिन मुझे तो नए कपड़े खरीदने हैं और नए गहने भी लेने हैं। देखो भगवान, मुझे और परेशान मत करो, रात बहुत हो गई है और मुझे सोने जाना है। इतना बोलकर गिरधर वहां से चला जाता है। पत्नी सोचते हुए, कोई तो उपाय होगा जिससे हम ज्यादा मुनाफा कमा सकें। हमारे पास नई गाय खरीदने के पैसे तो है नहीं। मुझे इसी गाय से ज्यादा मुनाफा कमाने की तरकीब खोजनी होगी। अगले दिन सुबह होने पर गिरधर रोज की तरह गाय का दूध निकालकर शहर में बेचने चला जाता है। उसकी पत्नी अपने बेटे को आवाज लगाती है। अरे बेटा मुन्नू, कहाँ है? जरा मेरी बात सुन। जी माँ। जरा बाहर जाकर देख, तेरे पिताजी शहर में दूध बेचने के लिए चले गए क्या? मुन्नू बाहर जाकर देखता है। जी माँ, बाहर कोई नहीं है, पिताजी चले गए। यही सही मौका है। उसकी लालची पत्नी गाय के पास जाती है और बोलती है, क्यों री राम प्यारी, तू दिन रात चारा खाती रहती है लेकिन ज्यादा दूध क्यों नहीं देती? फिर उसकी पत्नी को ध्यान आता है कि उसके पड़ोस में रहने वाले कालिया के पास भी एक ही गाय है, लेकिन उसकी बीवी तो बहुत खुश रहती है। वह कैसे? वह सोच में पड़ जाती है। यही बात पता करने के लिए वह कालिया के घर जाती है। अरे भाई कालिया, जरा बात तो सुनो। अरे बहन सुषमा, कैसी हो तुम और गिरधर के क्या हाल हैं? अरे हाल चाल तो मत ही पूछो, बहुत बुरे हाल हैं। हमारी गाय तो ज्यादा दूध ही नहीं देती। इतने कम दूध में कोई मुनाफा नहीं हो रहा। तुम्हारे पास भी तो एक ही गाय है, किंतु तुम्हारी गाय तो बहुत सारा दूध देती है, वह कैसे? बहन एक राज की बात बताऊं, किसी से कहना नहीं। मैं शहर से एक इंजेक्शन लाया हूँ, जिसे अगर गाय को लगा दो तो वह 4 गुना ज्यादा दूध देती है। अरे दैया, ऐसा भी कोई इंजेक्शन होता है क्या? हाँ बहन, मैं तो अपनी गाय को वही इंजेक्शन देता हूँ, तभी तो मेरी गाय ज्यादा दूध देती है। अरे भैया, मुझे भी ऐसा इंजेक्शन दे दो ताकि मैं भी कुछ मुनाफा कमा सकूं। जरूर, क्यों नहीं, ये लो, लेकिन ध्यान रखना गिरधर को पता ना चले। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हारी और मेरी श्यामत आ जाएगी। हाँ हाँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उसकी पत्नी कालिया से इंजेक्शन लेकर अपने घर वापस आ जाती है और घर पहुंचते ही चुपके से अपनी गाय को इंजेक्शन लगा देती है। फिर अगले दिन रोज की तरह गिरधर अपनी गाय का दूध निकालता है। अरे ये क्या, आज तो पूरी बाल्टी भर गई फिर भी दूध बंद ही नहीं हो रहा। लगता है भगवान ने मेरी लालची पत्नी की बात सुन ली, शायद अब हमारे अच्छे दिन आ जाएं। अब शहर चलता हूँ और जो भी मुनाफा होगा उससे अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े खरीद लूंगा। शाम होने पर गिरधर अपनी बीवी के लिए कुछ नए कपड़े लेता है। उसकी बीवी नए कपड़े पाकर खुश हो जाती है। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गिरधर की लालची पत्नी रोज अपनी गाय को इंजेक्शन लगा देती और गाय ज्यादा दूध देने लगती, और गिरधर शहर जाकर दूध बेचता
और जो भी मुनाफा होता वह सारा का सारा अपनी बीवी को दे देता। फिर एक दिन गिरधर की पत्नी रोज की तरह गाय को इंजेक्शन लगाने जाती है। गाय भी समझ चुकी थी कि ये लालची औरत उसे इंजेक्शन लगाने आ रही है। जैसे ही सुषमा उसे इंजेक्शन लगाती है, गाय छटपटाने लगती है। सुषमा, अरे आज क्या हो गया तुझे, इतना क्यों छटपटा रही है? एक जगह ठहर तो सही, रुक जा, इंजेक्शन तो लगाने दे। लेकिन गाय बहुत ज्यादा छटपटाती है और उसे इंजेक्शन नहीं लगाने देती। अरे बेटा मुन्नू, जरा मेरी बात तो सुन। जी माँ। मुन्नू बेटा, हमारी गाय की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, इसलिए मुझे इसे इंजेक्शन देना होगा। जरा तू इसे पकड़ के रख ताकि मैं इसे इंजेक्शन लगा सकूं। जी माँ, मैं अभी पकड़ता हूँ। फिर जैसे ही सुषमा उसे इंजेक्शन लगाने लगती थी, गाय फिर से छटपटाती है और इंजेक्शन गलती से मुन्नू के हाथ में लग जाता है। मुन्नू जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया, हाय हाय, अरे ये क्या किया माँ, ये इंजेक्शन तो मुझे लग गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, अब क्या होगा? फिर रात होने पर मुन्नू की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बेटा मुन्नू, सुबह तक तो तुम ठीक थे, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? पिताजी पिताजी, सुबह गाय की तबीयत खराब होने की वजह से माँ गाय को इंजेक्शन लगा रही थी और गलती से वह इंजेक्शन मुझे लग गया। लेकिन सुबह तो गाय की तबीयत ठीक थी। पत्नी डरते हुए, नहीं नहीं, आपके जाने के बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, तो मैंने पड़ोस के कालिया से एक इंजेक्शन लेकर उसे लगाना चाहा था, तभी गलती से वह इंजेक्शन मुन्नू को लग गया। गिरधर समझ जाता है कि वह इंजेक्शन किस लिए था। गिरधर गुस्से में, मैं जानता हूं भगवान, तुम कालिया से वह इंजेक्शन क्यों लेकर आई थी। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर उसकी पत्नी बहुत शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ कर दो, ये सब तो मैंने अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया था, मुझे क्या पता था कि वह इंजेक्शन एक दिन मेरे बेटे को ही लग जाएगा। गिरधर, भगवान, आज उस इंजेक्शन की वजह से जब तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई तभी तुम्हें एहसास हुआ ना, ये सोचो कि जब तुम रोज गाय को इंजेक्शन लगाती होगी तो उस पर क्या बीतती होगी, उसे कितना दर्द महसूस होता होगा। गाय तो बेजुबान है, इसलिए अपना हाल बता भी नहीं सकती, और हम लालची इंसान थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में इन बेजुबान जानवरों का फायदा उठाते हैं। अपने पति की बात सुनकर वह बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपने किए हुए की माफी मांगती है। फिर वह गाय के पास जाती है और उससे भी माफी मांगती है, और गाय भी उसे मुस्कुराकर माफ कर देती है। फिर वह उसी दिन से अपनी गाय की बहुत सेवा करती है और उसी गाय का दूध पी पी कर उसका बेटा भी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और वह सब कम मुनाफे में भी खुश रहने लगते हैं। एक गांव में तीन लालची दोस्त रहते थे। वो हमेशा अमीर होने के ख्वाब देखते रहते। मैंने सुना है जंगल में एक जादुई गाय है, वो लोगों को सोने के सिक्के देती है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ भाई, लोग कहते हैं वो किसी और दुनिया से आई है। अगर वो हमें मिल जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर देर किस बात की, आज ही जंगल चलते हैं और उसको तलाश करते हैं। वो तीनों दोस्त जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। थोड़ा दूर जाने पर उन्हें वो जादुई गाय नजर आती है। लगता है ये वही जादुई गाय है जिसके बारे में गांव वाले बातें करते हैं। भाई चलो इसको पकड़ते हैं। फिर वो तीनों उसको पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं और रस्सी की मदद से उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई इसे जोर से पकड़ना, ये हाथ से ना निकल जाए। जोर लगा के। कुछ ही देर में वो लोग गाय के ऊपर काबू पा लेते हैं। ये गाय तो बहुत ताकतवर है। मैं बोलता था ना कि जंगल में जादुई गाय है, तुम लोग मेरी बात पे तो यकीन करते ही नहीं थे। मान गए तुम्हारी बात भाई, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि ये जादुई गाय है भी कि नहीं?
तुम इसे बोलो तो कि ये हमें सोने के सिक्के दे। अरे गाय, आज से हम तुम्हारे मालिक हैं और अभी के अभी हमें सोने के सिक्के दे। लगता है हमारी मेहनत बेकार चली गई। ये जादुई गाय नहीं है। ऐसा करते हैं, इसे गांव लेकर चलते हैं, वहां जाकर देखेंगे। फिर तीनों उस गाय को पकड़कर गांव ले आते हैं। अरे भाई काशी, इसे बोलो कि हमें सोने के सिक्के दे। अरे गाय, हम ही तुम्हारे मालिक हैं, हमें सोने के सिक्के दो। फिर वो गाय सोने का गोबर कर देती है। ये देखो क्या है, ये तो बहुत चमक रहा है। मुझे तो लगता है ये सोने का गोबर है। हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो, ये तो सोने का ही गोबर है। मैं तुम दोनों को बोलता था ना कि ये जादुई गाय है। हम सोने के गोबर को एक बोरी में भरकर शहर ले जाकर बेच देते हैं। फिर वो तीनों उस गोबर को बोरी में भरकर शहर बेचने चले जाते हैं। रास्ते में एक घना जंगल आता है और रात भी हो जाती है। अरे मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे नुमान, तू डर नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर वो तीनों रात का सफर करके शहर पहुंच जाते हैं। भाई साहब, हमारे पास सोना है, हमें इसको बेचना है। हाँ, मैं तुम्हारा सोना खरीद लूंगा, सोना तो दिखाओ मुझे। नुमान सोना सेठ के सामने रखता है। अरे इतना सारा सोना तुम्हें कहाँ से मिला है? आप ये सब छोड़ें, बस ये बताएं इस सब के पैसे कितने दोगे? मैं तुम्हें इसके 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। 10 लाख रुपए? वाह वाह, इतने सारे पैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखे। आज तो मजा ही आ गया। हमें मंजूर है, तुम सोना ले लो और हमें हमारे पैसे दे दो। तीनों अपना सारा सोना बेचकर अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। अरे गाय, हम तुम्हारी वजह से अमीर हो गए। फिर अगले दिन, अरे जादुई गाय, हमें सोने का गोबर दे। तभी गाय गोबर करती है, लेकिन इस दफा गोबर सोने का नहीं होता। ये सोने का गोबर नहीं है और इसमें से बदबू भी आ रही है। कोई बात नहीं, कोई पता नहीं, कल सोने का गोबर कर दे। अगले दिन, अरे जादुई गाय, हमें सोने का गोबर दे। गाय गोबर करती है, लेकिन गोबर सोने का नहीं होता। वो तीनों परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है इसकी जादुई ताकतें खत्म हो गई हैं। अब क्या करें? ऐसा करते हैं, इसे गांव में किसी को बेच देते हैं। वो तीनों गाय को लेकर पास के एक खेत में एक जमींदार के पास जाते हैं। अरे भाई, ये जादुई गाय है, तुम इसको खरीदोगे? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ भाई। लेकिन मैं कैसे मान लूं? भाई ये सोने का गोबर करती है। तुम मुझे पागल बना रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, किसी और को जाकर पागल बनाओ। इतना बोलकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। मुझे नहीं लगता कोई हमारी बात पर यकीन करेगा। तुम ठीक बोल रहे हो, हमें कोई और तरकीब लगानी पड़ेगी। ऐसा करते हैं, इसके गले में सोने के सिक्कों की एक पोटली बांध देते हैं और उसका सुराख कर देते हैं। फिर जब ये चलेगी तो इसकी पोटली से सिक्के गिरेंगे तो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि ये जादुई गाय है।
अरे वाह, मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बड़े समझदार निकले। चलो इसके गले में सिक्कों से भरी पोटली डाल देते हैं। वो तीनों उसके गले में सोने के सिक्कों से भरी पोटली डाल देते हैं और उसमें सुराख कर देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। जादुई गाय ले लो, जादुई गाय ले लो। जहाँ जहाँ से वो गाय गुजरती है वहाँ वहाँ सोने के सिक्के गिरते चले जाते हैं और लोग उन सिक्कों को देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, ये तो सच में जादुई गाय है। लगता है ये हमारी तरकीब काम आ गई है। देखो तो सब गांव वाले हमारी गाय को कैसे देख रहे हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन 5 सिक्के तो गिर गए हैं। हमारी पोटली में सिर्फ 3 सिक्के बाकी रह गए हैं। थोड़ा आगे चलने पर उनकी पोटली भी खाली हो जाती है। तभी एक व्यापारी सिक्कों को देखकर उनके पीछे आता है और बोलता है, अरे अरे भाई, रुको रुको, ये गाय मैं खरीदूंगा, बताओ कितने में दोगे? 2 लाख रुपए में। ठीक है ठीक है, मैं 2 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन पहले मेरे सामने इसे बोलो कि सोने के सिक्के दे। हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे जादुई गाय, हमें सोने के सिक्के दे। अरे जादुई गाय, हमें सोने के सिक्के दे। अरे नुमान, पोटली तो खाली हो गई है, अब सोने के सिक्के कहाँ से देगी ये? अरे भाई, ये तो कोई सोने के सिक्के नहीं दे रही। भाई मुझे माफ करो, मैं ये गाय नहीं खरीदूंगा। अरे लूट गए, बर्बाद हो गए। अरे काशी रसान, पीछे चलो, हमें अपने सारे सोने के सिक्के उठाने होंगे। फिर वो तीनों पीछे जाते हैं, लेकिन तब तक गांव वाले उनके सोने के सिक्के उठाकर भाग चुके होते हैं। हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। हमने जो कुछ कमाया था गांव वाले वो सब कुछ ले गए। काश हमने लालच ना किया होता तो आज हमारे पास सोने के सिक्के तो होते। अरे हम जाकर उस गाय को पकड़ते हैं, वो भी हमारे हाथ से ना निकल जाए कहीं। फिर वो तीनों वहाँ जाकर देखते हैं तो वो गाय भी वहाँ से भाग चुकी होती है। अरे मर गए, सोना भी चला गया, गाय भी चली गई। तीनों दोस्त अपनी किस्मत को रोते रोते वापस गांव को चल पड़ते हैं।